करूंगी आज का सुसमाचार का पाठ। मरकुस लिखित सुसमाचार 9:14-29। मरकुस लिखित सुसमाचार 9:14-29। दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुँह में फेन भर लाता और मुँह और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। पिता परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।